आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि मैन वेइंग 60 केजीज इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द फ्लैट बोट। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया हमने, देखिए एक मैन है जो फ्लैट बोट के सेंटर में खड़ा है और बोला है कि ही इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द शोर। तो देखिए 20 मीटर जो है दूर है शोर से, और बोला ही वॉक्स 8 सेंटीमीटर ऑन द बोट टूवर्ड्स द शोर। तो देखिए क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ देखिए कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है यहाँ पे, और बिल्कुल मतलब कोई विस्कोसिटी वाले इफेक्ट्स भी नहीं है। तो क्या होगा जब वो 8 सेंटीमीटर यहाँ जाएगा, जैसे यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, तो ये देखिए बोट भी थोड़ा सा शिफ्ट होगी उस तरफ। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि द ही वॉक्स 8 सेंटीमीटर ऑन द बोट टूवर्ड्स द शोर एंड देन हॉल्ट्स। बाद में बोला कि द बोट वेट्स 200 kg, तो बोट का वेट दिया 200 kg। फिर हमसे बोला कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द शोर एट द एंड ऑफ दिस टाइम। तो देखिए वो 8 सेंटीमीटर इस तरफ जाएगा, बट बोट भी डिस्प्लेस होगी थोड़ी दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से जो होगा वो पूरा 8 सेंटीमीटर जो है इसके पास नहीं जा पाएगा। तो 8 मीटर सॉरी, वो नहीं जा पाएगा इसके पास। ये देखिए सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, ये 8 मीटर होना चाहिए, ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो 8 मीटर जो है वो चले जाता है उधर, तो 8 मीटर जो है नहीं जा पाएगा उतना। तो उसी वजह से जो है कुछ डिस्टेंस का वो एग्जैक्टली उतना 12 मीटर नहीं पास में नहीं होगा। तो देखते हैं कितना डिस्टेंस पास में हो, हमसे यही पूछा है, यही कैलकुलेट करना है हमें। तो चलिए देखते हैं, अज्यूम करेंगे कि एट द एंड ऑफ द टाइम वो एक्स मीटर दूर है शोर से। ठीक है, तो देखिए ये बोट का भी सेंटर जो है, बोट का सेंटर कितना दूर रहेगा, क्योंकि वो 8 मीटर यहाँ है, तो एक्स प्लस 8 मीटर दूर होगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए एक्स प्लस 8 मीटर दूर हो गया ये, और मैन जो है 8 मीटर दूर है। तो अब स्टार्टिंग में हम बात करें तो देखिए मैन सेंटर ऑफ द बोट पे, और बोट का सेंटर ऑफ मास भी उसके सेंटर पे ही होगा, सिमेट्रिकल कंसिडर करें तो। देखिए इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा यहाँ से 20 मीटर की दूर पे होगा, और जो टोटल वेट होगा वो कितना होगा 200 प्लस 60। तो देखिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो उसकी वजह से जो है इसका इनिशियल और फाइनल सेंटर ऑफ मास सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी इस पोजीशन पे इस मैन का मैन का मोमेंटम जो है, यहाँ मोमेंटम बैलेंस कर देंगे हम, मोमेंटम बैलेंस करेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो देखिए पहले इनिशियली दोनों का जो था यहाँ क्या था, m1 इंटू x1 करेंगे। तो देखिए ये था 200 प्लस 60 इंटू x1 क्या है 20। तो देखिए ये अभी इस केस में क्या होगा, ये होगा मैन का वेट इंटू उसका डिस्टेंस फ्रॉम द शोर, यानी 60x प्लस बोट का देखिए क्या हो गया अभी एक्स प्लस 8, तो 200 इंटू एक्स प्लस 8। तो देखिए ये हो गया 200 इंटू एक्स प्लस 8, इसको ऐसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से बस कैलकुलेट करने से हमें x जो है डिस्टेंस ऑफ द मैन मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखिए 60x प्लस 200x प्लस 1600 इक्वल्स टू 260 इंटू 20 विच इज़ 5200, ये हो जाएगा। तो देखिए 260x इक्वल्स टू 5200 माइनस 1600, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3600 डिवाइड बाय 260 विच इज 13.8 मीटर। तो अभी देखिए मैन जो है 13.8 मीटर दूर है शोर से। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।